हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कुक कला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड। देखिए, मैंने आलू उबाल लिया है, उबाल कर छील लिया है। इसका स्टफिंग बनाएंगे। कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, मसाले डालेंगे, जीरा, लहसुन, अदरक, लाल मिर्च, हरी मिर्च, करी पत्ता, हल्दी पाउडर, इन सबको थोड़ा सा भून लेंगे। आलू मैश करके डालेंगे, इसे अच्छी तरह फोड़ लेंगे। हम सारे मसाले आलू में अच्छी तरह मिला लेंगे। मसाले मिलाएंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अगर आप आमचूर पाउडर नहीं डालना चाहती हैं तो नींबू का रस डाल सकती हैं। इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। स्टफिंग को अलग बर्तन में निकाल लेंगे, रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक आलू ठंडा हो रहा है तब तक हम बेसन का घोल बना लेते हैं। देखिए, 250 ग्राम बेसन है ये। आपको जितना बनाना हो उतना इच्छा अनुसार लें। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, इसे थोड़ा रगड़ कर डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी अजवाइन की पत्ती। मेरे पास है तो डाल दे रही हूँ, आपके पास ना हो तो ना डालें। अजवाइन मैंने पहले ही डाला हुआ है, लेकिन थोड़ी सी पत्ती डाल दे रही हूँ फ्लेवर के लिए। इसे महीन महीन काट कर डालेंगे, 8-10 पत्ती है ये। अगर आप नहीं डालना चाहती हो तो ना डालें। इस सबको थोड़ी थोड़ी पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। देखिए, मैंने थोड़ी थोड़ी पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लिया है। इस तरह से है, अधिक पतला न करें, ऐसा ही होना चाहिए। चलिए बनाते हैं। पाव को इस तरह से काट लेंगे, या साइड से थोड़ा सा होल कर लेंगे इसको। इस तरह से मैंने गड्ढा कर लिया है, इसी तरह हम सारे पाव को होल कर लेंगे। इस तरह मैंने इसको थोड़ा सा गड्ढा कर दिया है। इसे उंगली से, उंगली की सहायता से हल्का हल्का दबा देंगे, थोड़ा और जगह हो जाए। इस तरह से हल्का हल्का आलू भरेंगे। पहले इसमें चटनी लगाएंगे, ग्रीन चटनी, इस तरह से। मीठी चटनी लगाएंगे, जो आलू का मैंने स्टफिंग बनाया हुआ है उसे भरेंगे तरह से, थोड़ा सा लंबा करके। इसी में इसका मुंह अच्छी तरह से, पूरी तरह से रैप कर देंगे, बंद कर देंगे। देखिए, मैंने इसी तरह से सारे पाव भर लिया है। अगर आप चाहें तो चारों तरफ से और आलू से रैप कर सकती हैं। मैंने अंदर भरा हुआ है अच्छी तरह से, इसलिए मैं चारों तरफ नहीं लगाई हूँ। चलिए बनाते हैं। पहले चेक कर लेते हैं, गरम हो गया है। एक पाव इसी में डालेंगे, अच्छी तरह से बेसन में लपेट लेंगे। इस तरह से बेसन का घोल आप पतला ना करें, गाढ़ा ही हो। मीडियम आंच में तेल को गरम करें, अधिक तेज आंच न रहे। तेल को थोड़ा उछाल दें ऊपर तक, एक तरफ से हो जाए तो सावधानी से इसे पलट दें। आपके कढ़ाई में एक बार में जितना आ जाए उतना ही डालें। ये बड़ा होता है, इसलिए एक पीस ही ठीक से तलने में आसानी होता है। चारों तरफ से घुमा घुमा कर अच्छी तरह सेक लें। इसी तरह हम सारे पाव को बेसन में अच्छी तरह लपेट कर तल लेंगे। अगर आपको लगे कि बेसन कम लपेटा गया है तो थोड़ा सा ऊपर से और डाल दें, अच्छी तरह से फैल जाएगा ये।
देखिए गर्मा गर्म उल्टा वड़ा पाव बनकर तैयार है, कट करके दिखाती हूँ। ये मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चे और बड़ों सबको पसंद आता है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। भरने के बाद थोड़ा भारी हो जाता है, इसलिए घी में डालने के बाद थोड़ा दिक्कत होता है, अगर बड़ी कढ़ाई में तले तो अच्छी तरह ये तल जाता है। ये खट्टी मीठी चटनी के साथ आप खाएं, अगर नहीं भी चटनी के साथ खा रही हैं तो भी इसमें सब कुछ लगा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको उल्टा वड़ा पाव कैसा लगा। थैंक यू।